आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की 4 संपत्तियों को सीज भी किया जाएगा। अदालत ने ओपी चौटाला की हैली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। सजा सुनाए जाने के वक्त उनके बेटे अभय चौटाला और उनके पोते अर्जुन और करण चौटाला भी उनके साथ थे। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि फैसले को चुनौती देने के लिए अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे। तो हरियाणा की आवाज में यही सवाल उठता है कि कोर्ट के इस फैसले से क्या संदेश जाएगा, जो आज राउश एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आय से अधिक संपत्ति में आज ओपी चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। सवाल हमारे यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में और सख्ती बरतने की जरूरत है क्या? नेताओं की संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और आज वाले केस से अन्य नेताओं को क्या सीख लेनी चाहिए? नेताओं के बीच से कैसे खत्म होगा ऐसा भ्रष्टाचार, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आज जो कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, 21 मई को ओपी चौटाला को दोषी करार दिया गया था और 26 मई को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी, उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज दोपहर 2 बजे यह फैसला सुनाया गया, जिसमें ओपी चौटाला को 4 साल की सजा हुई है और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बात यह है जी, देखो सरकार जो न्यायपालिका है हम उसकी पूर्ण रूप से इज्जत करते हैं, उन्होंने जो फैसला दिया वो हम सबको सिर मत्था होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक चीज न्यायपालिका के बारे में कहनी पड़ेगी कि चौटाला साहब 90 साल के हो चुके हैं और 90% अपाहिज भी है, इन लोग कोई शक नहीं, लेकिन इनको सजा देनी चाहिए थी, सजा दे दी, लेकिन इनको सजा में थोड़ी राहत जरूर देनी चाहिए थी। भाई इनको घर के अंदर ही नजर बंद कर देते न, भाई आप अपने मकान से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर किसी शादी में या किसी जलसे में जुलूस में आप नहीं जा सकोगे, आप यहाँ यही रहोगे अंदर, इससे कोई भी आपसे मिलने आता है बात कर लो, लेकिन आप कुछ नहीं बोल दोगे, ऐसी बात कह सकती थी न्यायपालिका, ये बात नहीं, चलो मान लिया नहीं की तो, लेकिन इसके अंदर मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने अपनी सारी पावर यूज करनी चाहिए, भाई ऐसे आदमी को जरूर से जरूर राहत देनी चाहिए, ये कोई कत्ल का केस नहीं है, ये तो एक वो है क्या ना, भाई इन्होंने पैसे कमाए अवैध तरीके से, अपनी वोट का विरोध वो कर, वो मानते हैं इन्होंने कराया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन न्यायपालिका ने भी इस उम्र में आकर के उनके ऊपर इतना ग्रहण दिली दिखानी चाहिए थी। न्यायपालिका तो है ना, न्यायपालिका तो है, 4 से 10 साल की सजा होती है, 4 से 10 साल की सजा होती है, 4 साल की सजा की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर राजेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। अनुरोध करता हूँ राष्ट्रपति मुद्दे से जी, हालात के बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्ति श्री ओम प्रकाश जी चौटाला, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी के पुत्र, जो कि पहले भी भर्ती मामले में सजा काट कर आ चुके हैं और अब आज से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाई जानी संभव है। मेरी आपसे प्रार्थना है चौधरी देवलाल जी को हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता कभी भुला नहीं पाएगी। एक आम बुजुर्ग को पूर्व उप प्रधानमंत्री ने वृद्धा अवस्था पेंशन 100 रुपए से नवाजा गया था, आज उन्हीं की देन है जो हरियाणा का हर 60 वर्षीय नागरिक 2500 रुपए की वृद्धा अवस्था पेंशन भत्ता लेकर अपना जीवन जी रहा है। दूसरी तरफ आज देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नया भारत निर्माण हो रहा है, सदा तो देवलाल जी से लेकर के
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र चौधरी दुष्यंत चौटाला तब भ्रष्ट और घोटालों से लिप्त रही कांग्रेस पार्टी से सदा विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी का नया भारत निर्माण में सहयोग दिया है। आज उनका सहयोग देश और विदेश की जनता देख रही है। इतना होने पर भी अगर कोई भूल से भी ऐसा काम हो जाए तो मैं तो यही कहूंगा, समावरण को होत है छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटना को भगू ने मारी लाल। उपरोक्त कथन के माध्यम से मैं आपसे क्या नाम राष्ट्रपति महोदय अनुरोध करता हूँ कि इनकी दिव्यांगता और वृद्धावस्था अवस्था को देख करके मुझे इन पर बहुत ही तरस आता है कि वजह से आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को सजा में छूट दिलवाने का तय करें। मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। गौ माता जी, थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। आज पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये फैसले, इस फैसले को कैसे देखते हो आप? जी जी, देखिए सबसे पहले तो हम नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगा चलिए दोबारा से कॉल करिए आप, क्योंकि संपर्क टूट चुका है। मास्टर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए ये तो देखिए, माननीय कोर्ट जाने या भगवान जाने कि सच्चाई क्या है। अगर तो ये द्वेष की भावना है या इसको राजनीतिक बदले की भावना से देखा जाए तो गलत है, और अगर वाकई ये सच्चाई है इसमें कि बहुत बड़ी संपत्ति इन्होंने बनाई, तो देखिए फिर तो फैसला कोर्ट का मानना ही होगा। और आपका जो चैनल ये यहाँ पे दिखा रहा है और बता रहा है, मैं भी उन बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। ब्यौरा सबको होना चाहिए, सबका ब्यौरा होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। और अगर ये भाजपा बदले की राजनीति करते तो वो गलत है। आम लोगों को कम से कम इंसाफ चाहिए। जितना भी पैसा लूट को सोचता है वो जनता का पैसा है, इनका पैसा नहीं है, वो हमारा खजाना है। ये कोई भी हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, कहीं भी थोड़ी सी भिनक मिलती है तो उन पर एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि आज जो राव जेवेनी कोर्ट ने ये फैसला दिया उससे क्या संदेश जाएगा आम जनता के साथ साथ राजनीतिक दिग्गजों के पास, और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में क्या और सख्ती बरतने की जरूरत है। हालांकि 4 से 10 साल की सजा जो है इस केस में होती है, लेकिन अभी भी कोर्ट ने यहां पर रियायत दी है कि 4 साल की सजा उन्होंने सुनाई है। आपको बता दें कि क्या जो आज फैसला कोर्ट ने सुनाया है उससे क्या अन्य नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। हमारे कॉलर सतवीर जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी सतवीर जी, दीजिए अपनी राय। हेलो, आवाज आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैम है जो हरियाणा के पूर्व सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला, इनकी एज के हिसाब से छूट मिलनी चाहिए थी सजा में जी। हाँ, और ये आप आई टी उसके हिसाब से कोर्ट ने छूट देनी चाहिए थी, क्योंकि 87 साल के हैं ये जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आपको बता दें क्योंकि कल जब कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी, दोनों पक्षों की दलीलें की थी, तो सीबीआई के वकील की तरफ से कहा गया था कि अधिकतम सजा दी जाए, लेकिन जो ओपी चौटाला के वकील थे उन्होंने कहा कि सजा में नरमी बरती जाए। हमारे कॉलर विभूति भूषण जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। श्रीमान जी, ऐसे नेताओं को तो टेल अप टू डस्ट जेल होनी चाहिए। ये तो देवी लाल के बाद सब मिल मिला के खा गए देश को। इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई ये बता सकते हैं? कौन से इनके कारोबार से जहाँ से धन कमाया?
कोई आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि कोर्ट के फैसले से आज क्या संदेश आएगा आम जनता के बीच, राजनीतिक दिग्गजों के बीच। आज बड़ा फैसला आया, इससे अधिक संपत्ति के मामले में राउश एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हमारे कॉलर विजेंद्र जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। मैं ये कह रहा था मैडम जी, जी छोटा सा जो बहुत ज्यादा हो चुकी है और शरीर से भी आप शरीर से भी दिखाई दे रहे, कोर्ट को भी इनके भी 90% तो ये मानो आप, तो कुछ ऐसा सजा प्रावधान होना चाहिए, सजा में कुछ छूट होनी चाहिए कि भाई अपने घर पे रहे या नजर बंद कर दे घर पे जी। अब जेल में रहने के लायक तो नहीं है, देखो ना दूसरा आदमी साथ चाहिए, उठाने बैठाने के लिए भी दूसरा आदमी चाहिएगा, कपड़े पहनाने के लिए भी दूसरा आदमी चाहिएगा। तो यही गुजारिश है हमारी, तो या तो राष्ट्रपति से या आप आवाज उठाओ कि पब्लिक चाहती है कि भाई इसको ऐसी सजा दी जाए कि जो ना घर पे ही नजरबंद कर दिया जाए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो हमारे अगले कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम भारतवर्ष में अगर ये भ्रष्टाचार उठ जाए तो एक भी आदमी नेता बनने को नहीं आएगा, क्या पीएम या सीएम या कोई भी बनने को तैयार नहीं होगा। आप ये लिख लीजिए कागज पर, भी नेता है सब भागी नेता है, उनके नाम भी आते हैं फिर भी वो होते हैं ना सदन में जाते हैं, इनके साथ क्या प्रॉब्लम आई है कि इनकी सरकार नहीं है, नहीं तो ये सजा खाली मिट नहीं सकती थी, और भी स्लो हो सकती थी, और भी टाली जा सकती थी, लेकिन एक्चुअल में इनकी सरकार नहीं है। आप देखिए जो भी जब भी सरकार किसी की रहती है, आज यूपी में देख उन्होंने रेप किया, उनके मंत्री थे सब कुछ थे, कुछ नहीं पकड़ा उनका। उन्होंने देखिए आदमियों को किसानों को चक्के के नीचे ला दिया, वो मंत्री थे वहां के होम मिनिस्टर थे उनका बेटा था, कुछ नहीं पकड़ा उनका। तो आज भारतवर्ष में क्या है कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर ये भ्रष्टाचार मिट जाए कि कोई आदमी पैसे नहीं खा सकता, कोई आदमी ऐसा आराम नहीं कर सकता, मंत्री जैसे ये बोलते हैं कि हम अपना एक एक बूंद बहा देंगे देश के लिए, एक एक बूंद की बूंद बहा देंगे, वगैरह ऐसा अगर आ जाए भारतवर्ष में तो एक भी नेता बनने को आगे नहीं आएगा। आज अगर बोलते हैं कि मोदी जी आगे है करने के लिए, मोदी जी भी आगे आएंगे, मैं ये आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि जिस आदमी ने भारतवर्ष में ये धार लिया कि मैं एकदम इसको ठीक कर दूंगा, अपने शरीर पर कोई खर्चा नहीं करूंगा, अपना सुख नहीं देखूंगा, वो आदमी इस भारतवर्ष में नेता नहीं बन सकता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए राय, क्योंकि आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से क्या संदेश आएगा, ये बड़ा सवाल है।